मेरठ में आगामी 23 दिसंबर को होने वाले चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिग्गज व्यापारी नेता नवीन गुप्ता पैनल अपने दिवंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को मतदान से पहले नवीन गुप्ता पैनल 6 महत्वपूर्ण पदों पर अपने प्रत्याशियों के निर्विरोध जीत दर्ज करने में कामयाबी प्राप्त कर चुके हैं। जी अपने पैनल से कितने आदमी अपने पैनल से कितने कैंडिडेट होते हैं? हमारे पैनल से एक अध्यक्ष, एक महामंत्री और 9 मंत्री इस चुनाव में हैं। 5 लोग, 3 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष और 1 संगठन मंत्री हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 11 लोग 23 तारीख को निर्वाचन में, 24 तारीख के परिणाम में निश्चित रूप से विजयी होंगे। संघ का चुनाव आगामी 23 दिसंबर सोमवार के दिन होने वाला है। उस चुनाव में हमारे पैनल के प्रत्याशी आज सदर बाजार में, सदर क्षेत्र में संपर्क के लिए निकले हुए। व्यापारी हमारा फूल मालाओं से संपर्क कर रहे हैं और भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। 23 तारीख को व्यापारी भारी संख्या में आकर मतदान करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। जो लोग 21 तारीख को व्यापार संघ के दोपहर करने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और व्यापारियों को